Very good morning, class. Fourth student, how are you all? Hope all are very good and also enjoying your online classes here. So, class, once again, here I discuss about that chapter 2, exercise 2 in your English grammar subject. All students, firstly, take out your English grammar book and open your chapter 2, and this is your page number 12. So, all students, open page number 12 firstly. Dear students, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है आप सभी बच्चों ने समझा और इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बट आपको मैंने बताया है कि कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो उसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑग्जलेटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें होती हैं तो आज आप एक सेंटेंस को सब्जेक्ट एंड अ वर्ब से यूजली आप डिवाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल अ सब्जेक्ट इज़ यूजली अ नेमिंग वर्ड यू नो दैट कोई भी नाम को हम सब्जेक्ट कहते हैं जैसे कि आपका ऑल नाउन जैसे नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स ये सारे क्या है सब्जेक्ट है द वर्ब फॉलो अ सब्जेक्ट एंड पॉइंट एंड एक्शन दैट इज डन बाई सब्जेक्ट ओके तो जो वर्ब क्या होता है वो क्या होता है वर्ब हमेशा आपके सब्जेक्ट के एक्शन को फॉलो करता है ओके okay, जैसे बर्ड जो है वो सब्जेक्ट हो गई तो फ्लाइज क्या हो गया ये एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट हो गया इसलिए ये क्या हो गया द बर्ड फ्लाई तो इसमें जो द चाइल्ड क्राई आप देख रहे हैं क्राइज देख रहे हैं तो चाइल्ड है एक सब्जेक्ट है एंड जो क्राई है वो क्या है आपका वर्ब है और वर्ब क्या है वो सब्जेक्ट का एक्शन होता है तो समझ में आ गया बच्चों आज हमें एक्सरसाइज टू में क्या करना है इसमें हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसमें सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है इसको अलग अलग करके लिखना है तो जब भी हम कोई सेंटेंस रीड करेंगे तो जो काम कर रहा होता है ठीक है जिसके बारे में बात होती है जो नेमिंग वर्ड होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं जो काम हो रहा होता है कोई भी एक्शन ऑफ द वर्ब ये कहलाता है आपका वर्ब एंड जिसके बारे में बात हो रही है और जो काम कर चुका है ठीक है और या फिर आप कह सकते हैं कि क्या काम हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओके okay? तो डेयर स्टूडेंट्स इसको आपको आज डिस्क्राइब करके बताया गया है तो फर्स्ट आप एग्जांपल देख ले द गोट क्लाइम्ड अप हिल तो गोट आपकी कौन काम कर रहा है ओके गोट क्लाइम्ड मीन्स क्या होता है चढ़ना ये कौन सा एक्शन हो रहा है ये आपका वर्ब हो जाएगा मेन एंड कहाँ पर चढ़ रहा है ठीक है तो यहाँ पे हील जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट इसी तरीके से आपको सॉल्व एक्सरसाइज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब डिस्क्राइब कर दिया गया है सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है आप सभी बच्चे सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे और रीड करने के बाद एक्सरसाइज टू बुक में कंप्लीट करके क्लास में चेक करने के लिए भेजेंगे सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस करिए ये आज का आपका एक्सरसाइज टू वर्क है ऑल स्टूडेंट एन्जॉय योर वर्क